हेलो एवरीवन, आज हम हैं मरी रिजॉर्ट्स। मरी रिजॉर्ट्स एक बहुत ही खूबसूरत हाउसिंग सोसाइटी है जो पतरियाटा चेयरलिफ्ट से 7 किलोमीटर पहले आती है। बेसिकली ये हाउसिंग सोसाइटी 1300 कैनाल के ऊपर मुश्तमिल है, जहां 80 से 90 रिजॉर्ट्स बने हुए हैं और कुछ मजीद रिजॉर्ट्स इन कंस्ट्रक्शन भी है। सो आज हम आपको इन रिजॉर्ट्स का विज़िट करवाएँगे, इस जगह का टूर करवाएंगे और जो रिजॉर्ट्स हमारे इन डेवलप हैं, जो इन प्रोसेस हैं, वो भी दिखाएंगे। सो इससे पहले कि मैं आपको इस जगह का टूर करवाऊँ, इस जगह का विजिट करवाऊँ, मैं आपको इस जगह का थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। ये कहाँ पे है, इसकी लोकेशन क्या है। जब आप मरी के लिए एक्सप्रेस वे पर एंटर होते हैं तो टूल प्लाजा क्रॉस करने के तकरीबन 8 किलोमीटर बाद आपके राइट साइड के ऊपर स्काई गार्डन आता है। स्काई गार्डन आपको अंगूरी रोड के साथ कनेक्ट कर देता है। अंगूरी रोड बेसिकली बहरिया इनक्लेव से शुरू होता है और देन फर्दर इसके ऊपर बहरिया इनक्लेव टू, बहरिया गोल्फ सिटी, देन एग्रो फार्म्स, स्काई गार्डन्स, एंड देन स्काई गार्डन से फर्दर आगे 18 किलोमीटर बाद मरी रिजॉर्ट्स की साइट शुरू हो जाती है। बेसिकली मरी रिजॉर्ट्स की जो साइट है उससे उसका जो पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है वो पतरियाटा चेयरलिफ्ट है। सो हमारी साइट से तकरीबन आगे 8 किलोमीटर बाद पतरियाटा चेयरलिफ्ट आ जाती है। यहाँ के जो विजिटर्स हैं, यहाँ के जो हमारे क्लाइंट्स हैं, वो जब अपनी फैमिलीज़ के साथ यहाँ पे विजिट पर आते हैं तो वो अपना मोस्टली पतरियाटा चेयरलिफ्ट चले जाते हैं, वहाँ से होते हुए आगे मरी चले जाते हैं। तो तकरीबन यहाँ से पतरियाटा चेयरलिफ्ट और वहाँ से आगे मरी की जो ड्राइव है वो तकरीबन 30-40 मिनट्स की फर्दर आगे मरी GPO चौक तक ड्राइव बनती है। मैं आपको मरी रिजॉर्ट्स का थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ। मरी रिजॉर्ट्स बेसिकली 4 ब्लॉक्स के ऊपर है, A, B, C और D। ये ब्लॉक्स प्लॉट्स की कटिंग के ऊपर स्पेसिफाई किए गए हैं। इस टाइम हम बी ब्लॉक के अंदर हैं। बी ब्लॉक की कटिंग जो है वो 1 कनाल से स्टार्ट होती है और फर्दर क्लाइंट की स्पेसिफिकेशन के मुताबिक हम प्लॉट की कटिंग 2 कनाल, 4 कनाल, जितना क्लाइंट को चाहिए होता है वो हम दे देते हैं। ब्लॉक बी के अंदर हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी डिलीवर कर दिए हुए हैं। सो ब्लॉक बी बेसिकली हमारा क्राउडेड एरिया है, हमारा साइट ऑफिस भी यहीं पे है। पहले हमारा साइट ऑफिस ये हुआ करता था, ये बेसिकली 28 मरले के ऊपर एक रिजॉर्ट बना हुआ है, ये हमने ही बनाया था। ये जो रोड है ये हमने सारे प्रोजेक्ट के साथ साथ दिया हुआ है। जहाँ जहाँ तक प्लॉट्स की कटिंग है वहाँ तक रोड जा रहा है। हमारी जो बेसिक अम्यूनिटीज़ हैं उसके अंदर रोड्स, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी और बेसिकली गेटेड कम्युनिटी है। मरी का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो पाइन ट्रीज की कटिंग अलाउड नहीं करता। सो बेसिकली हम पाइन ट्रीज को कुछ प्लॉट्स के अंदर कंज्यूम कर लेते हैं। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, ये एक ट्री हाउस बना हुआ है, इसके अंदर हमने पाइन ट्री के ऊपर ट्री हाउस बनाया हुआ है। सो ये बहुत ही खूबसूरत रिजॉर्ट है। इसके अंदर 2 कमरे हैं, एक लाउंज है, अटैच बाथ्स हैं, किचन है, साथ ट्री हाउस है। सो ट्री हाउस के साथ जो पीछे फॉरेस्ट का व्यू है बहुत अच्छा है। सो बेसिकली हम डेवलपर्स भी हैं, हम क्लाइंट्स को रिजॉर्ट्स बना के भी देते हैं। क्लाइंट की नीड के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको रिजॉर्ट चाहिए या उसको सिर्फ लैंड चाहिए। हमारी रिजॉर्ट्स में बेसिकली इस टाइम जो अभी हमने अगर कंस्ट्रक्शन की बात स्टार्ट कर दी है तो मैं आपको बताता चलूँ कि कंस्ट्रक्शन के जो यहाँ चार्जेस हैं वो आप देख रहे हैं। जैसे मेरे पीछे घर बन रहा है तो यहाँ पे ब्लॉक कंस्ट्रक्शन, ब्लॉक वाला जो कंस्ट्रक्शन का स्टाइल है वो यूज़ होता है। आप फर्दर अगर डिटेल्स लें तो हमारे इंजीनियर्स यहाँ आपको बता सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह की कंस्ट्रक्शन है। इसके बाद चलते हैं हम अपने ए ब्लॉक की तरफ, जहाँ हमारे छोटी कटिंग्स के प्लॉट हैं और वहाँ पे हमारे बहुत ही खूबसूरत रिजॉर्ट्स भी बने हुए हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं एक बहुत ही मॉडर्न एलिवेशन है, ये तकरीबन 8 मरले के ऊपर कंस्ट्रक्शन हुई हुई है और ये एक डिज़ाइनर हाउस है। बहुत अच्छा सा उन्होंने मॉडर्न टच दिया हुआ है इसको, इसको उन्होंने बहुत अच्छा सा ऑक्यूपाई किया है। साथ उसके एक ओपन टेरेस है जहां आप शाम को बैठ के अपनी चाय वगैरह एंजॉय कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप पीछे 2 रिजॉर्ट और भी देख रहे हैं, ये सारे छोटी कटिंग्स पे हैं। क्लाइंट्स की एक्सपेक्टेशंस को मद्देनज़र रखते हुए हर घर का जो व्यू है, विंडोज़ का व्यू या बालकनी का व्यू, वो बेसिकली फॉरेस्ट की साइड पे है, हिल्स वाली साइड पे है। सो जितनी भी प्लॉटिंग है यहाँ पे वो इस तरह की गई है कि कोई भी जो घर है वो दूसरे घर की जो व्यू को है वो ब्लॉक ना करे। तो अब हम आपको थोड़ा सा ए ब्लॉक का विजिट भी करवाते हैं, दिखाते हैं कि यहाँ पे किस तरह के रिजॉर्ट्स भी बने हुए हैं। क्योंकि ये पोजेशनेबल प्लॉट्स हैं, रेडी टू पोजेशन प्लॉट्स हैं। सो ये टोटल कैश के ऊपर हैं
और इतने महंगे भी नहीं हमने रखे हुए कि आप अफोर्ड ना कर सकें। इसके आगे जो हमारे सी और डी सेक्टर्स हैं वो थोड़े अनडेवलप हैं, अभी हमने रिसेंट लैंड बाय की हुई है और हम उसको डेवलप कर रहे हैं, साथ साथ रोड्स की कंस्ट्रक्शन जारी है, साथ साथ हम नीचे तक रोड्स भी दे रहे हैं। सो अभी हम लग्जरी हिल टॉप फॉर्म्स की तरफ जाएंगे, वो आपको विजिट करवाएंगे, लेकिन इस टाइम हम मस्जिद के सामने हैं। माशाल्लाह मस्जिद तामीर हो गई है, ये ए ब्लॉक के अंदर है। लग्जरी हिल टॉप फॉर्म्स हमारा मरी रिजॉर्ट्स के बाद अंगूरी रोड के ऊपर दूसरा प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के ऊपर 2 कैनाल, 5 कैनाल और 7 कैनाल के फार्म हाउसेज हम लोगों ने ऑफर किए हैं और इसको हमने इस पॉइंट ऑफ व्यू से डिज़ाइन किया है कि लोग ओवरसीज़ पाकिस्तानी जब यहाँ पे आते हैं और फार्म हाउसेज बनाते हैं, अपनी जगह लेते हैं, तो लोकली इस्लामाबाद और रावलपिंडी की को अगर देखा जाए तो उसकी आउटस्कर्ट्स के अंदर आपको करीब तरीन सबसे बेहतरीन यही इलाका मिलता है। प्लॉट्स हैं वो रेडी टू पोजेशन हैं, आप सुबह आएँ अपना प्लॉट पसंद करें और अगले दिन अपने रिजॉर्ट की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दें। सो उसके अलावा जो अनडेवलप्ड लैंड है वो हमने डेवलपर्स के लिए और बड़े ब्रांड्स होटल चेन्स और 5-स्टार होटल्स वगैरह के लिए रखे हुए हैं। सो फॉर फर्दर डिटेल्स आप हमारा ऑफिस विजिट कर सकते हैं, हमारी साइट विजिट कर सकते हैं और हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ नीचे दी गई हैं, आप इन पर भी रब्ता कर सकते हैं।